संसार विस्तार जान ले ऐसे। अब हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं, आदमी बैठा लिया। बोलो, ठेवना में दर्द है, इनको क्या क्या होता है आप बताइए, आप क्या लगते हैं पहले तो ये बताइए। मतलब श्वास है तुम्हारी? अच्छा हाँ, सिर में दर्द रहता है, बाजू में यहाँ पे दर्द रहता है, हाँ, और घुटने में दर्द है। हाँ, डॉक्टर क्या कहते हैं, ये इलाज करा रही है डॉक्टरों से कि नहीं? डॉक्टर से इलाज हो रहा है। कितने साल? लगभग 5 बरस हो गए। 5 बरस से डॉक्टर से इलाज चल रहा है। ऑपरेशन कर दिया? ऑपरेशन होने के बाद भी रीढ़ में दर्द है? रीढ़ का दर्द गायब हो गया? सिर दर्द को लेकर के ही वो बोल रहा है कि नस कर गया है। हाँ, उसका ऑपरेशन हुआ था। और सिर दर्द आज तक ठीक नहीं हुआ? ध्यान से सुनो भाई, सिर दर्द को लेके ही उन्होंने डॉक्टरों ने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा, कमर की नस दब गई है। और फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन हवा और घुटने आज ही मारा है पोलियो नहीं। तो ये घुटनों में दर्द बचपन से रहता है? नहीं, 10 बरस हो। हाँ। क्या नाम है आपका? शीला। भाई आप सुन लो ना, ध्यान से सुन लो, वही प्रक्रिया अमन की सबको करने को मिलेगी, वही मैं सबकी करूँगा और वही रोज करता हूँ। बदलाव कुछ नहीं है, उसी का लाभ आपको मिल रहा है। ठीक है कि नहीं है? बस ये है कि किसी की समस्या पुरातन है, किसी की समस्या नवीन है। देखिए बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनिए, और वो बात आपके अगर विस्तार में जानने में आ जाए तो फिर सोचिएगा। मनु भैया ने एक आपसे असत्य नहीं बोलना है, मैं सत्य का वतन करता हूँ, इसलिए मेरी रोज उन्नति होती है। यज्ञ देवता मुझे कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे ही करेंगे। एक मेरा संकल्प है भारत से निर्मूल कर देना किसको, जो प्रेताधिक बाधाएं हैं, प्रेत पितृ दोष है। इसलिए मैंने कभी नहीं कहना छोड़ा, सारी दुनिया ने मीडिया से डर के कहा क्या कहते हैं कि प्रेत और पितृ के बारे में, उन्होंने पूरी मीडिया ने, जब बागेश्वर की बारी आई तो वो भी पीछे हट गया ये बताने कि मैं भूत प्रेत निकालता हूँ, वो भी निगेटिविटी मुँह से कहने लग गया। लेकिन मैं निगेटिविटी तो भूत प्रेत को बोलता हूँ, और आज से नहीं बोलता, 2000 कितने से बोलता हूँ, 4 से बोलता हूँ। और साथ में ये भी बोलता हूँ कि ये पितृ और प्रेत ही है, ये केवल आपको नजर दोष और श्राप ही लगा हुआ है और देव दोष है, और पितृ और प्रेत है। यही चीज आपको 40% लोगों को भारत में, 56% लोग बीमार हैं भारत के। अब उनमें बच्चे कितने, उनको छोड़ दीजिए, उन बच्चों में भी बच्चे बीमार होने लगे हैं, माँ से बेटे पर, बेटे से आगे बहुओं पर, बच्चियों पर, सब पे ये समस्या जा रही है। किसके कुल में कितनी गहरी पैठ है इसकी कोई नहीं जानता, लेकिन जब हम जप करने लगते हैं, यज्ञ करने लगते हैं, अपने आप को ठीक कराने लगते हैं, तब हम जान पाते हैं। मैंने किसी चौक चौराहे का उतारा नहीं देना, मैंने किसी ऐसे देवता को आपसे नहीं पूछवाना जो आपकी दारू लेता हो, दारू पीता हो, मांस खाता हो, मुर्गे खाता हो, और आपके बच्चों से 3-3 टाइम 5-5 टाइम हुक्के भरवाता हो, क्योंकि ये देवता नहीं है, क्रूर है और कसाई है। ये कभी देवता ना हुए थे ना है, वही आपके उल्टे में चलते हैं, वही आपका उल्टा करते हैं। आज आपने भोग देना शुरू किया, 10 दिन बाद भोग देना बंद कर दो, तब ये सारे आपके उल्टे पड़ जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। आगे ना, आपका कुल उसमें धसता ही जा रहा है। एक चीज आपको कितनी भी पुरानी हो सकती है, लेकिन उस पुरानी का भी निदान पुराने के हिसाब से ही हो जाएगा। बुखार तो एक ही है भाई, जब डॉक्टर से बुखार का इलाज कराने पहुंचे तो डॉक्टर ने पूछा, इधर आ जाना, डॉक्टर ने पूछा कि आपको कितने दिन से बुखार आता है, आपने बताया 3 दिन से आता है। पूछा कोई दवाई ली? बोला डॉक्टर साहब जो बुखार की दवाइयाँ घर पे लेते हैं वही ली है अभी तक। फिर उसने आपका 5 दिन का दवाई दी और एक टेस्ट लिखा, 5 दिन की दवाई दी सबको और 100 आदमियों को दी, तब एक आदमी ऐसा था जो एक ही खुराक में ठीक हो गया, एक ऐसा था जो उन 5 दिन की खुराक में से 3 ही दिन की खुराक ले पाया, इस तरह से 10-10, 5-5 आदमी छटते गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बचे जिनको बुखार लंबे समय तक आता गया, फिर खांसी हो गई, फिर उससे टीवी हो गई, कुछ को टाइफाइड पहले हुआ, फिर उसके बाद में टीवी हो गई, कुछ लोग हॉस्पिटल में गए, उनको डेंगू बतलाया गया, उन डेंगुओं के मरीज में से 10 मरीजों में से एक मर गया, बाकी 9 जी गए। लेकिन किसी को 1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ा, किसी को 1.5 महीना हॉस्पिटल में। बीमारी तो थी, एक ही बुखार था, वैसे ही चढ़ता था ताप देके, शरीर का ताप भी बढ़ा हुआ था, लेकिन वो ठीक होने पे नहीं आया और वो आदमी मर गया। बीमारी एक है, निगेटिविटी। किसी के घर में कितनी पुरानी है, किसी के घर में कितनी पुरानी है, किसी की आज ही निकलेगी,
किसी की 10 दिन में निकलेगी, किसी की 25 दिन में निकलेगी, किसी की 1-2 वर्ष भी ले सकती है, किसी की 10-5 वर्ष भी ले सकती है। क्यों ले सकती है? क्योंकि ये ताना बाना जो है बहुत पुराना है। और आप देखिए, आप 16-16 साल 15-15 साल से कहीं आ रहे हैं, ये कटती तो वहीं पे कट जाती, फिर आपको मनु भैया के पास आने की जरूरत नहीं, पर कटी नहीं। और आप घूमते रहे, आपने दुनिया भर का पैसा दिया, दुनिया भर के बकरे मुर्गे कटवाए, फिर आपको स्थिरता धारण करनी पड़ेगी। एक क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान का नाम लिया जा रहा है। इसको ले जाओ, जाओ पानी पकड़ के ले जाओ, पकड़ के ले जाओ, पकड़ के ले जाओ इस बार। चलो लाठी और उठा लाठी, ऐसे। तो हमें करना क्या है? कुछ लोग स्थिरता धारण कर लेंगे, वो ठीक होके ही जाएंगे। सबसे बड़ी बात, उनकी चीजें घटती। शनि धाम में आने वाला कोई अचानक मर भी जाता है तो उसको प्रेत योनि नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जाएं संभाल जाती। पहली बात तो एक, अगर यहाँ पे कोई खुला प्रेत भी रहता है ना तो उसकी भी गति हो। यज्ञ बड़ी अच्छी खुशबू देता है, देवता पास में आते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते चले। एक संकीर्तन है, वहां पे कोई देवता आता है तो वो सबको आशीर्वाद ही तो देगा, और क्या करेगा, है ना? तब आपको यहाँ आशीर्वाद मिलता है। आप अपने बच्चों को खुल के कह सकते हो, आप पूरे समाज को खुल के कह सकते हो कि मनु भैया बेशक भूत प्रेत का काम करते हैं लेकिन वो जगत का कल्याण करते हैं, दुनिया भर के लोगों के रोग भगाते हैं, उनको कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, और जो काम ईश्वर करता है वही काम वो करते हैं। वो बेशक छोटा प्रारूप हो और चाहे बड़ा प्रारूप हो, काम तो मैं वही कर रहा हूँ ना जो ईश्वर का सौंपा हुआ है कि नहीं? फिर तो उसमें रोग भी जा रहे हैं। फिर ऐसा डॉक्टर बनने से कि जो बिना आपके रोग के, बिना कारण जाने औषधि दे रहा है, ऐसा डॉक्टर बनने से मैं भगवान का भक्त बनना पसंद करूँगा जिसमें नीचता तो कोई है नहीं ना, लाभ भी है। कोई यही कह लेगा ढोंग कर रहा है, ढकोसला कर रहा है, अंधविश्वासी है, लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता ना, क्या कहते हैं, कि इसने मुझे लूट। हवन यज्ञ आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, यज्ञ में महिमा दिखा रहा हूँ आपको कि यज्ञ ये महिमा है, अब करो ना करो ये तो आपका स्वागत है, आपका काम है, मेरा काम तो आपको करके दिखा कर। नाम बताइए बहन जी। बहन तो शीला देवी को 5-7 साल से ये इलाज करा रही है। एक घुटनों में दर्द रहता है, दूसरा सर में दर्द रहता है, और वो सर का दर्द इनका जाता नहीं है, उस सर के दर्द के लिए कमर का इन्होंने ऑपरेशन भी करा दिया। मैं पूछूंगा कौन से हॉस्पिटल से कराया था, शरीर बहुत सारे दर्दों का घर बना हुआ है, डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे हैं लंबे समय से, आपको आराम नहीं पड़ रहा है, और आपको ऑपरेशन आदि भी बता दिए गए हैं, या ऑपरेशन करने के लिए आपको डेट दे दी गई है, या आप हॉस्पिटल में एडमिट है इस टाइम, और हॉस्पिटल में आपके दर्द बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी अपना इलाज करा सकते हैं सबके बीच में, चाहे आप एम्स में हैं और चाहे दुनिया के किसी हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टरों से आपके कष्ट नहीं रुक रहे हैं तो आप मनु भैया से यहाँ अपनी हाजिरी लगवा सकते हैं, और अभी मैं लाइव चल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप अपना नंबर भेज सकते हैं, हम दूसरे फोन से उसी नंबर पे वीडियो कॉल लगाएंगे और आपसे सरेआम मनु भैया बात करेंगे। ऐसा मैं पिछले 10 दिन से 20 दिन से कहता आ रहा हूँ, है ना, कोई करके भी देख लेगा, ठीक है, या सारे डॉक्टरों से डरते ही हैं। कहाँ से आया हूँ? लुधियाना से। घर वाला के 3 दिन भर्ती लेके था, यहाँ से गया तो कुछ दिन के बाद यहाँ तो नॉर्मल आ गया था, फिर मछुआड़ा में भर्ती लेकर हॉस्पिटल में एक भाई एक इसको पूरे जुड़पुती जैसे निकल गया रहते रहती। होता क्या है? उल्टियाँ आता है, खोखी आता है, हाँ फीता यहाँ आया बिल्कुल ठीक हो गया, 3 साल दवा कराया, बहुत जगह नहीं ठीक हुआ। कौन?
तीन साल में इसको दवा कराया हूँ। हाँपी मतलब वो ठीक हो गया, हाँपना? हाँ जी। अच्छा, हाँपी तो हाँपने को कहती है जिसमें सांस चढ़ते थे? सांस चढ़ता था वो ठीक हो गया? हाँ जी। तो ये भी सब ठीक हो जाएगा फिर क्या? तो अभी मैं एक बार ये कि इसको मैं यहाँ 24-25 के आने वाली थी, तब तक ले 22 के इसका बहुत सीरियस हो गया। मैं इसको लेकर मछुआरा में गया। देखो तत्व अगर आधा रह गया, आपको पता है इसको आराम यहाँ से लगे, आपको ही वापस डॉक्टर के नहीं जाना चाहिए था, सीधा यही आना चाहिए था। वो डॉक्टर मेरा छुट्टी भी नहीं दिया। मैं डॉक्टर का भी छुट्टी नहीं देते। मैं सारा फाइल छोड़ कर भाग कर आया हूँ। हाँ। अपने साहब से बोला तो इसको आराम भी पड़ गया ना? आराम पड़ गया, लेकिन इसका बच्चा जिसे दिमाग हो जाता है, कुछ भी बोलता हूँ ये सुनता नहीं है, उल्टियाँ भी कुछ भी बोलती हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक है, कुछ नहीं सुनता है, फिर भी कोई दिमाग से अपने निकाल निकाल देता है। हार्ट बीट बढ़ जाता है, ये उससे होता है, प्रेत से होता है। प्रेत हमेशा हृदय को घबराता है, हृदय घबराने लगता है प्रेत का भी घबराता है। अभी क्या हो रहा है? अभी देखो और उसमें भी है पक्का बोल। ओम हम पावन नंदनाए ओम फट स्वाहा हरिओम। बातें नहीं करो, अगर मैं यूं ही काम करता रहा ना और एक दो घंटे, तो तुम आपस में ही लड़ पड़ोगे सारे के सारे। मुझे तुम्हारी क्षमताओं का पता है, तुम कितने क्षमतावान हो। आगे ना एक दूसरे को बजाने लग जाओगे। नहीं लड़ सकती भाई, तू झूठा नाम बदनाम करती है बिटिया। वो मुस्कुरा रही है, तू कह रही है लड़ रही है, मुस्कुराने को लड़ना कहते हैं क्या? तुझे बुढ़िया शर्म नहीं आती? और कोई है जो अपने बारे में बता के, और तब मेरे पास आएगा तब मैं यस करूंगा। हाँ बताओ, तुम बार बार हाथ उठा रहे हो, हाँ बताओ वहीं से। अरे वहीं से बता। ओ चाचा साहब, राम राम राजा हॉस्पिटल में। हाँ नौकरी करी 39 साल। हाँ डॉक्टरों को चेकअप करा, अरे कुछ बात नहीं। हाँ डॉक्टरों को ले तो पागल है। हाँ सब भगवान के घर में स्थित ड्यूटी देने में जा। हुआ क्या है? मंगलवार को आया था हमको यहाँ पे। हाँ यहाँ पे जो आपने कहता सिर घोड़े चढ़ाया। हाँ यहाँ आने के बाद में मैं वहाँ उभर आया। हाँ कोई आराम नहीं। तो एक बार में आराम आ जाएगा, हमने ये भी तो नहीं कहा। छोड़ा 19-20 का कुछ फर्क। 19 का आज मंगलवार से क्यों आकर तीसरे चौथे मोड़ में परेशान? मुझे ये अभी तक आपने नहीं बताया कि आपको हुआ क्या है। मेरे पूरी बॉडी के अंदर दर्द है, पिट के थले में बकरी है, शुगर है जी, कमर में दर्द है, मिसेस का भी बड़े लड़के का छोटे लड़के। शुगर भी है? शुगर भी। अच्छा शुगर है। अब बोलो जाऊं तो। अच्छा बोलो जय शनिदेव। अब आज मैं मनु भैया के पास में आया। हाँ अब जिंदा रहूंगा तो यहाँ आ जा, मैं तुझे आज दिखा देता हूँ तुझे क्या है। अब घरवाली पे मत पहुंचे या मेरे सामने खड़ा खड़ा। 39 साल राम मनोहर लोहिया में क्या डॉक्टर था? नहीं जी। और मास्टर था? चपड़े से काम मैंने किया है राम मनोहर लोहिया, पूरा पूरा दिखाता हूँ आपको, बड़ा की बात नहीं है जी। अच्छा वो तो कहते हैं घुमावट की बात है डॉक्टर। ये इसमें ऊपर की जेब में मोबाइल है कि सिगरेट की डिब्बी है? नहीं सिगरेट कोई दिया नहीं, पूरा प्रयास। ये आई कार्ड मेरा नौकरी का है और ये रिटायरमेंट का है। रिटायरमेंट का भी आई कार्ड अलग से बनता है? ये देखो रिटायरमेंट हो चुका है। देख लो। तो जो रिटायरमेंट वाला उसको क्या लाभ मिलते हैं? ये इससे के इसके ऐसा होगा कि ये ग्रुप हमारे पास में के 60 साल के हो चुके। अच्छा नहीं 60 साल का होने पे लाभ क्या? बीमार ज्यादा हो गया।
60 साल होने के बाद में घर रहने के बाद बीमार ज्यादा हो गया और डॉक्टरों ने पागल कह दिया। जिस टाइम मैंने अपनी कहानी बताई जिन डॉक्टरों की सेवा करते थे उसको उन्होंने पागल कह दिया। बोले कि वहाँ जाओ मेंटल वार्ड में। क्या बोले? मेंटल वार्ड में। ये मेंटल वार्ड में जाओ आप पागल। मैं बोला मैं जीना नहीं चाहता। नहीं नहीं वहाँ जाओ दिल को। उसके बाद में मनु भैया के पास। कितने सालों से दर्द होते हैं? मेरे को तो कुछ अंदाजा नहीं लगता जिंदगी नहीं बिता रही दर्दों में। तो पित्त की थैली का ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं कराया। तो सारी दुनिया के ऑपरेशन करवाए तुमने अपनी पित्त की थैली का नहीं करवाया? मेरे को जिस टाइम मनु भाई के पास में आज मैं मंगलवार को मुझे मन करते पित्त की थैली फट जाए फट जाएगी कर जाओ कोई बात नहीं। सही बात। थालिया में कहाँ दर्द है? और हाल का सर में है हाल का हाल का भी नहीं है। सर का दर्द जाता ही नहीं था। हाल का भी नहीं है। हाँ कहाँ है? हाँ तो घुटने का चलाइए जरा ऐसे चलाइए जरा ऐसा जरा। कहाँ बैठ गए बहन जी आप? इधर साठो थोड़ी देर में देख। घबरा मत रो मत। तेरा गोला है तेरे पास है? नहीं नहीं यार अब देख हल्का हाल का है क्या है या नहीं? खत्म हो गया? अभी तेरा चेहरा तो देखिएगा जरा सासू माँ का देखिए जरा। है जमाई सा देखिए जरा सासू जी का चेहरा तो देखिए तनिक खुशी मिला कि नहीं है? भाव बदला कि नहीं? सर का दर्द खत्म होता ही और अगर दर्द वा ऐसे ही रहता तो पता है डॉक्टर वा क्या कहता? माइग्रेन हो गया है, सीजियोफ्रेनिया हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, तुरंत इनका ऑपरेशन कराइए, इनका इलाज कराइए वरना पागल खाने में नहीं जाइए। साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। एम्स में लिया गया था। एम्स? ओ क्या बात करते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल राम हुआ 25वां बिल्डिंग बनी हुई है एम्स में। 2500 बिल्डिंग है, इतनी ऊंचाई वाली जमीन से देखेगा तो लगेगा आसमान टकरा गए हैं। आपको इलाज नहीं दिया? घुटना में डॉक्टर के जी। तो डॉक्टर का इलाज कर लेगा? वो कौन सा डॉक्टर है जो इलाज करे है? बोल दीजिए आप हलवा हो गए हैं, अपने कागजवा फाड़ दीजिए। कागजवा फाड़ दीजिए हलवा हो गए हैं। अभी कहाँ दर्द है? कीना कीना ऐसे ही दबाते रहिए जहाँ पे दर्द है। हाथ से दबाइएगा जरा। हाँ वो दबाइए जरा। बोलिए ओम हम पवन नंदनाए ओम फट स्वाहा। देखिए अब जरा है क्या है तो पूरा कैसे चला जाएगा एक ही बार में? सर का गया वो भी आधे से कम हो गया, पहले से कम हो गया, चेहरे पे खुशी भी आ गई है। तो अभी जितना भोग दिए उतना फल पा लिए और का लूटेंगे राम जी को। चलिए भाई जय शनि देव आप बोलिए। आ जाइए आप आ जाइए। तो आप अपना नाम का बताएं।